देखिए पहले तो धारा 343 को आप जान लें कि एक राष्ट्रपति के स्पेशल ऑर्डिनेंस के जरिए 341 में पैरा 3 लगा करके दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों या यूं कहिए हिंदू के अलावा जितने भी दलित थे सबका आरक्षण रोक दिया गया, जिसमें 1956 में सिखों ने लड़के ले लिया, 89 में बौद्धों ने लड़के ले लिया। अभी मुसलमान और ईसाई दो धर्म के लोग बचे हुए हैं जो उन सीटों उनके पास एससी का स्टेटस नहीं है, वो शेड्यूल कास्ट की सीटें जो एमपी, एमएलए, जिला पंचायत प्रधान या इस तरह की जितनी सीटें मेयर की हैं वो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसे खटिक लड़ सकता है, रानी नहीं लड़ सकता, हिंदू धोबी लड़ सकता है, मुस्लिम धोबी चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस तरह का जो भेदभाव है जो नेहरू गवर्नमेंट ने किया था, जिसमें कलाम और रफ़ी अहमद किदवई जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं और उसमें जाकिर हुसैन जैसे लोग माननीय राष्ट्रपति रहते हुए भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया, हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमारा पहला शहीद, जिसको कुछ लोगों ने मार डाला कि क्यों ये मुसलमानों भेदभाव कर रहे हो, खलील अहमद रायनी बिहार से, और दूसरी हमारी मजबूत लीडरशिप आ रही है वसीम अहमद रायनी, जो इस भेदभाव के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बन करके प्रदेश में उभर रहे हैं। हम 341 में जो नाइंसाफी की गई है हम इसका विरोध करते हैं और मोदी जी से मांग करते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा देने वाले हमारा भी विकास करें और हमें भी विश्वास दिलाएं कि भारत में भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पे। जो गलती नेहरू ने की थी, जो धब्बा नेहरू जी ने लगाया था लोकतंत्र के ऊपर, हम एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ट्रिपल तलाक जैसा मजबूत फैसला लिया, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि दलित मुसलमानों को दलित हिंदुओं जैसा दर्जा दिया जाए, उन्हें एससी का स्टेटस दिया जाए और उन्हें जो है बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनके साथ भेदभाव कर दिया जाए।